आपकी यात्रा मंगलमय हो। बाय बाय। तो अभी मैं गाय के लिए पानी सार रही हूँ। नीचे पानी है तो गाय अभी तक पानी नहीं आ रहा था। मम्मी ये क्या लेके आई है? सांप। मम्मा कैसे फंस गया तू यहाँ? यहाँ जाने के लिए इसको किसने बोला होगा? ये बच्चा है देखो दोस्तों, ऐसे जाली में फंस चुका है ये पूरा, पांव भी और गर्दन भी। अब इसको देखो ये कैसे लेके आ रही है सांप को। हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। आज ना मैं सुबह सुबह ही उठ के बिना हाथ मुँह धोके वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि आज ना मेरी मम्मी जा रही है घर से बहुत दूर, यानी कि ऋषिकेश जा रही है। तो इसलिए वैसे तो 6 बजे पहुँचना था रोड में, लेकिन अभी थोड़ा सर्दियों का मौसम है तो गाड़ी आई नहीं है, तो 6-7 तक बज जाएंगे। तो अभी मम्मी थोड़ा काम वगैरह कर रही है, फिर नहाएगी धोएगी और तो जा रही है आज ऋषिकेश। चलो फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निर्मला नेगी, मैं देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल निर्मला नेगी ब्लॉग पर। तो दोस्तों अभी का मौसम दिखा दूँ, सुबह का मौसम इस प्रकार से हो रखा है। आसमान में बादल लगे हुए हैं हल्के हल्के, तो पूरे आसमान में हल्के हल्के बादल। अभी तक तो धूप का कहीं भी धूप दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इतनी सुबह उठ गए हैं आज हम लोग वहाँ जाने की वजह से। मेरा बोलना भी ना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जैसा लग रहा होगा। तो यहाँ से ऋतु लोग भी जा रहे हैं एंड ऋषिकेश क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन पहले मैं थोड़ा माल्टा वगैरह तोड़ देती हूँ। क्योंकि सफ़र में ना जब मैं पिछली बार दिल्ली गई थी तो माल्टा मतलब कम हो गए थे, खट्टा खाने का मन करता है सफ़र में। तो मैं चले गई हूँ यहाँ पे मैं सुबह सुबह माल्टा तोड़ने। अभी तो कोई खाएगा नहीं, लेकिन सफ़र में ना पूरा दिन का सफ़र रहेगा तो मम्मी लोगों का। तो अभी मैंने तोड़ दी है माल्टे वगैरह, और मेरी ना आज सुबह सुबह दांत दर्द हो रही है। पता नहीं क्यों, मम्मी का जाने का टाइम आ रहा है और मेरी दांत दर्द शुरू हो रही है। ले तेरा पर्स गिर गया है, लेते गिर गया गिर गया ले आगे जा ना दिख रहा ले। मैं फोन भी रख, चश्मा रख, फोन आ गया, फोन आ गया। दिया तो ना इधर ही आई, अच्छा ठीक है। मम्मी आई जा ना बुला रहे दी। दोस्तों हुआ ये था कि उन लोगों ने झूठ बोल दिया था कि हम लोग हमें मतलब ये लोग लेट करेंगे करके हम दिगाली चौड़ जाके आ गए, लेकिन मम्मी जैसे ही भाग रही थी यहाँ से, मम्मी ने बोला था मैं रास्ते में पहुँच गई, तब तक उन्होंने बोला कि अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। तो थोड़ा मतलब वो हो गया कि मतलब थोड़ा रेस्ट ले रही है मम्मी यहाँ पर। चाय बना दो यार, सुबह सुबह इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है कि चाय के बिना। तो दोस्तों अभी चाय तो बना दी है एंड अब मैं थोड़ा, क्योंकि वो लोग जो ले जा रहे हैं सुपरवाइजर लोग, वो लोग अभी दिगाली चौर चले गए, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया है 5-10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, तो उसमें मैं कर लेती हूँ अभी थोड़ा रजिस्ट्रेशन। हाँ मम्मी तो जल्दी चाय पी रही है तो पी ले, टाइम हो गया वैसे भी। गल मिलने इतने देख जे कैसे लगनो असल मम्मी निक्यो कोने को तो बोल देने जे कैसे लग रहा है? बस जे हम बनना बस जी तेरे ना बड़ी आपकी यात्रा मंगलमय हो। बाय बाय। रिंकू भी चले गया कलू। तो दोस्तों मम्मी तो चली गई है
एंड मैं अब चाय वगैरह पीती हूँ, अपना काम कर रही थी, लेकिन जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ वाला काम हो ही जाता है, स्क्रीन शॉट लेना भूल गई है। और आजकल मेरे मुंह में इतने दाने 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 हो रखे हैं, पिंपल हो रखे हैं, बड़े ही ख़तरनाक। तो मम्मी तो चली गई है, मैं भी चाय वगैरह पीती हूँ, एंड मम्मी अब आएगी एक हफ्ते बाद। तब तक के लिए मुझे घर पूरा घर संभालना होगा, घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी। आज तो वो दूध वगैरह लगा के मम्मी गई, लेकिन कल से कहाँ, आज शाम से सारा मेरे को करना पड़ेगा। ठंडी के टाइम में ना सुबह उठना और गाय वगैरह दूध वगैरह निकालना, गोबर निकालना, गोबर तो आज भी निकालना पड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा आफत का काम है। अभी देख सो दोस्तों, अब पी लेते हैं सुबह सुबह गुड़ की कटकी वाली चाय, क्योंकि सर्दियों में ना चाय तो मेन हुई, दांत दर्द हुई है, लेकिन फिर भी चाय तो मैं पीना। सो दोस्तों, अभी लगभग लगभग मेरा काम हो चुका है और मैं तैयार हो गई हूँ दूध पहुँचाने के लिए। और उससे पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में है आज चावल की रोटी, क्योंकि कल हम मम्मी बोल रही थी मेरे को चावल की रोटी खाने का मन कर रहा है, इसलिए चावल की रोटी बनाई है। तो फ्रेंड, अभी मैं चली गई हूँ दूध पहुँचाने के लिए नाश्ता करने के बाद, और थोड़ा लेट हो गई 10 मिनट, लेकिन कोई नहीं, दौड़ दौड़ के जाती हूँ। और ताई जी का दूध भी है हाथ में और जर्किन में भी दूध है, तो हाथ भी खाली नहीं है। और मैं अभी चलती हूँ दूध पहुँचाने। दोस्तों, मैं डेयरी में आ गई हूँ, मैंने दूध तो तोड़ दिया, लेकिन आज ना यहाँ पर दूध बहुत ज़्यादा दूध गिर गया है। देखो, जर्किन लीक कर रहा है, यहाँ पर दूध ही दूध गिर गया है सारा। और कुछ तो अभी मैंने दूध तो पहुंचा दिया है झड़पत्तिया में, यहाँ पर दूध पलटा के मैंने यहाँ पर धो रही हूँ ड्रम, क्योंकि मैं हमेशा यहीं पर धोती हूँ हैंडपम्प के पास। हैंडपम्प में गाय के पानी पीने के लिए भी बंद किया है, तो उसमें हो रखा है पानी, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में ना मैंने बड़ा वाला ड्रम धोना था, लेकिन आज दूध ड्रम में था। मैंने छोटे में थोड़ा दूध रखा था फैट लगाने के लिए, लेकिन उसको भी धो दिया मैं। जब मैं हैंडपम्प चलाया तो तब पता चला कि इसके अंदर तो दूध था, लेकिन सारा बर्बाद गया। तो अब मैं भी यहाँ से चलती हूँ, और मेरे तो पता नहीं आज कल से मेरे दांत दर्द कर रहा है दोस्तों, कल रात भी हो रहा था, मुझे डर लग रहा है कहीं ज़्यादा दर्द ना हो, और घर में मैं अकेली हूँ। और फिर हरी घास को खाता है, हरी घास को खाता है, झटपट दौड़ लगाता है, तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, मस्त मेरी चाल है, मस्त मेरी चाल है। तो घर आते आते, दूध पहुंचाने से घर आते आते बज चुके हैं दोपहर के 12, और ये मेरे गोलू मोलू गुंजन, इनको पता है कि इसके अंदर दूध होगा बचा कुचा। ये लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे कि इनको अभी मैं दे ही दियो दूध। कोई नहीं, इनका सबर भी दूर कर। ढक्कन में दूध निकाल रही थी उससे पहले कि दूध गिर गया, ये गिरा हुआ दूध खा रहे हैं पहले, उसके बाद देती हूँ मैं ढक्कन वाला दूध, क्योंकि गिरा हुआ खा ले तो खाली वेस्ट ना जाए। तो अब लो इसको भी खाओ, उधर खाओ, उधर 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 उधर, ये देखो तीनों ऐसे लगे पड़े हैं दूध खाने में, खाने में नहीं दूध को पीने में। तो दोस्तों, अब मैं गाय बकरियों को बांधती हूँ ऊपर, और आज सुबह बांधी नहीं है, तो मम्मी होती तो मम्मी करती गाय घर का। ओ माय गॉड, एक से एक कारनामे हो रहे हैं हमारे घर में। बछड़ा बाहर खुला ही था, लेकिन इसने दौड़ लगा के कहाँ फंसा है, या इसको देखो दोस्तों, ऐसे फंस चुका है। शिबो कैसे फंस गया, तो यहाँ यहाँ जाने के लिए इसको किसने बोला होगा। ये बच्चा है, देखो दोस्तों, ऐसे जाली में फंस चुका है ये पूरा, पाँव भी और गर्दन भी। अब निकालूँ कैसे, मैं कैसे निकालूँ, तो फंसे रहा। पैर निकाल पहले, तो गर्दन निकाल, अब बाहर को निकाल, अब आजा। वहां जाने के लिए बोला कि किसने था तेरे को। दोस्तों, अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, मैं 1 घंटे सो गई थी। तो अभी मैं गाय के लिए पानी सार रही हूँ, नीचे पानी है तो गाय अभी तक पानी नहीं आ रहा था। मम्मी, ये क्या लेके आई है, सांप, मम्मा,
भगवान, ये सांप लेके आई है मर जाए। दोस्तों जैसे ही मैं जा रही थी, मैं इसको बिछा भी नहीं सकती हूँ, वो सांप लेके आई है दोस्तों। मम्मी क्या? तो मैं गाय के लिए यहाँ पर भर रही हूँ पानी, अभी आ रहा था तो अभी मैं नीचे से ला रही हूँ। एक डेक के लिए ना 5-6 बाल्टियाँ पानी चाहिए। एंड दोस्तों सांप के नाम से ही मेरे शरीर में रोंगटे खड़े उठ जाते हैं। मम्मी इसको देखो, यहाँ को मत ले जा। मम्मी सांप कैसे लिखा रही है, सांप इसको देखो, ये कैसे लेके आ रही है सांप को। मुंह में सांप रख रखा है इसने। तो दोस्तों आपने देखा होगा कैसे बिल्ली सांप को लेके आई है ना, उसका मतलब आगे का मुंह है और ना पीछे का, बीच का एरिया का वो लेके आई है और अपने बच्चे को दे रखा है। वो इधर से उधर घुमा रही है, मेरे तो डर से धक धक हो रही है। और मैंने अब सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं क्योंकि अगर बिल्ली अंदर ले जाएगी तो ना दोस्तों उसके कांटे, मेरे को और तो कुछ नहीं, उसके कांटे के डर लग रहा है। अब सांप तो मरा हुआ ठहरा, वो तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके कांटे चुभेंगे तो हो गया। तो दोस्तों आज ना एक से बढ़ के एक काम हो रही है, मेरी तो काम करते करते आफत आ रही है। अभी निकाल रही हूँ गोबर क्योंकि आज दिन में टाइम नहीं, सुबह टाइम नहीं था और दिन में ऐसा ही हो रहा था, अभी निकाल रही हूँ शाम को। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, दिन तो ढल चुके हैं और लगभग मेरा सारा काम हो गया। गाय के लिए घास वास बनाया, लेकिन मैंने कल चावल, आँख में कुछ चला भी गया, कल चावल की रोटी बनाई थी तो आज भी मैंने वही खाई। तो अभी मैंने बनाई है मैगी तरी वाली, क्योंकि मेरे को सूखी मैगी पसंद नहीं है, तरी वाली पसंद है। अभी मैगी से कर रही हूँ मैं अपनी पेट पूजा और अपने आज के व्लॉग की समाप्ति भी करती हूँ दोस्तों, क्योंकि अब मुझे गोट का काम करना पड़ेगा, दूध वगैरह निकालना पड़ेगा और फिर खाना पीना भी बनाना है। तो अभी शाम को ताई जी आएंगी। तो अपने आज के व्लॉग की समाप्ति मैं यहीं पर करती हूँ। मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। फिर मिलूंगी मैं ऐसे ही अगले नए व्लॉग के साथ पहाड़ी कल्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने घरों में व्यस्त रहे। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मम्मी जी पहुंच गई है हरिद्वार, मतलब टूरिस्ट वाली बस है, कहीं रुक नहीं रही है, बल हरिद्वार पहुंच गए। तो अभी थोड़ी देर में फिर आप पहुँच जाएंगे वो लोग ऋषिकेश।